like a Hellcat. So, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शॉन के घर पे तीन तीन निठल्ले दोस्तों ने बसेरा बना लिया है और साथ में ही एमी और सैम के बीच कुछ तो रोमांस डेवलप होते दिख रहा होता है। तो लास्ट पार्ट एंड हुआ था एक क्लिफहैंगर मोमेंट के साथ। शॉन ने गलती से एमी को अपनी फ्रेंड से बात करते हुए सुन लिया था। तो बात कुछ ऐसी होती है कि एमी का ब्लूटूथ स्पीकर ऑन रह जाता है और वो अपने फ्रेंड को बता रही होती है कि यार मुझे एक लड़की पे क्रश है जो कि मेरी हर वक्त हेल्प करता है और मेरी बहुत ज्यादा केयर भी करता है। टू अवर सरप्राइज शॉन ये सारी बातें सुन रहा होता है। नाउ इससे पहले कि वो वहां से कल्टी मारे ही लूजेस बैलेंस एंड एमी उसे देख लेती है, लेकिन वो एमी को झूठ बोलता है कि मैं तो बस अभी आया हूँ। उसके बाद वो वहां से जल्दी जल्दी में भाग लेता है। इस पूरे टाइम शॉन को यही लग रहा था कि एमी उसी की बात कर रही थी, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला, उसकी हेल्प करने वाला उसके अलावा और कौन हो सकता है। लेकिन वो एमी के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहता है। इसी थॉट के साथ उसकी नींद चैन सब छिन जाती है और जब उसे नींद आती है तो सपने में उसे फिर से एमी दिखाई देती है और सपने में ही सही शॉन के इंटेंशंस हमें देखने को मिल ही जाते हैं। लो सुबह तो उसकी ऑकवर्डनेस और बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचता है यार ये सब तो गड़बड़ हो गया। असल में वो कंफ्यूज चल रहा होता है। हालांकि किसी जमाने में वो एमी को पसंद करता था, बट अभी फिलहाल वो उसे बस अच्छा दोस्त ही मानता था। तो इसीलिए वो एमी को मिसट्रीट करना शुरू कर देता है ताकि वो उसे पसंद करना छोड़ दे। लेकिन भाई इस नादान इंसान को इस बात का जरा भी इल्म नहीं होता है कि नियर फ्यूचर में उसका गंदा वाला कटने वाला है। जनरली वही एमी को कॉलेज अपने स्कूटर पे छोड़ता है, बट आज वो उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि बहुत जल्द मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है तो भाई तुम अपना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। फिर क्या होना था, एमी को अपनी जिंदगी में पहली बार बस से कॉलेज जाना पड़ता है। हालांकि शॉन उसके बस के पीछे पीछे ही जा रहा होता है। वो देखता है कि बस में भीड़ होने के कारण एमी भीड़ में बिल्कुल दब गई है। अब भाई शॉन कैसा भी हो लेकिन दिल का अच्छा इंसान होता है, वो बेचारा एमी के ऊपर इतना अत्याचार होते देख नहीं पाता है। नेक्स्ट स्टॉप पे वो उसे बस से उतरने को बोलता है और फिर अपने साथ ही ले जाता है। इस पे एमी ने उससे बड़ा वैलिड सवाल पूछा, जब तुम्हें साथ ही ले जाना था तो पहले इतनी नौटंकी काहे की। अब शॉन बेचारा इस सवाल का क्या ही जवाब देता। गुड न्यूज, एमी की इंटर्नशिप लग जाती है, शी वॉज ऑन क्लाउड 9। वो ये खबर सबसे पहले शॉन को देना चाहती थी। शॉन उससे अपने डिपार्टमेंट के सामने देख के डर जाता है। उसे लगता है यार ये तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। एमी अपनी खुशी में इतनी बेहाल होती है कि शॉन को वियर्ड बिहेवियर नोटिस ही नहीं कर पाती वो, और सिंपली उसे अपनी इंटर्नशिप वाली खबर सुना के चली जाती है। अपना दिमाग क्लियर करने के लिए दोनों मेल लीड्स बास्केटबॉल खेलते हैं। तभी सैम उससे पूछता है भाई अब बता दे तू काहे को इतना परेशान है। बिना एमी का नाम लिए वो कहते हैं कि यार मेरी एक दोस्त है जो मुझे लाइक करती है, बट हम दोनों के साथ होना नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे मना कैसे करूँ। इन रिस्पॉन्स सैम रिप्लाइज कि लेटली उसके मन में भी काफी टाइम से एक लड़की है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। शॉन तो हैरान ही रह जाता है। ही वॉज लाइक तुझे पढ़ाई के अलावा लड़कियों में भी इंटरेस्ट है। शॉन का दूसरा सवाल होता है तो कैसी दिखती है वो। सैम का प्यार तो यार वो पुराने जमाने वाला प्यार होता है। वो जवाब देता है शी इज क्यूट प्रिटी एंड अ वेरी नाइस पर्सन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। शॉन कहता है मेरी वाली तो यार एकदम खतरनाक झगड़ालू फियर्स और रफ लड़की है और दिखने में ठीक ठाक लगती है। रात में एमी रोज रोज की डिस्टर्बेंस से बचने के लिए गार्डन में ही कैंप लगा लेती है। पहले तो शॉन उसकी इन बच्चों वाली हरकतों से बहुत अनॉयड होता है। वो उसे कहता है तुम ये सब मेरा अटेंशन गेन करने के लिए कर रही हो ना। एमी क्लूलेसली उसे पूछती है भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। शॉन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर बाद में खुद ही सारी चीजों की अरेंजमेंट करने लगता है, लाइक एक्स्ट्रा ब्लैंकेट देना, बकरा सेटअप करना और उसका लैपटॉप और बुक्स लिए लिए डेस्क अरेंज करना। फिर दोनों लेट नाइट आइसक्रीम खाते खाते वॉक पे जाते हैं जहां एमी उसे अपने नए काम के बारे में बताती है, जिस पे शॉन प्रोटेक्टिव वे में उसे कहता है साइड पे हेलमेट पहन के रखना और सेफ्टी प्रिकॉशंस भी रखना। यही उसे रियलाइज होता है कि वो ज्यादा तो नहीं भूल गया। इसके बाद अपनी बात को दबाने के लिए वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह सिर्फ दोस्त की तरह करता हूँ, हम सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। एमी वॉज लाइक हाँ भाई मैं का कुछ कह रही हूँ। रात को इंटर्नशिप की खुशी में सिंडी सबके लिए पार्टी का अरेंजमेंट करती है। अपना सैम भाई भी इस पार्टी में इन्वाइटेड होता है।
पार्टी के दौरान भी एमी और सैम का रोमांस चालू होता है। एक टाइम ऐसा आता है जब सैम और एमी अकेले होते हैं तो सही मौका देख के सैम उसे डेट के लिए पूछ लेता है। एक्चुअली अच्छा ही है, इट्स नॉट लाइक कि एमी इसके आने का इंतजार नहीं कर रही थी, उसकी तो चांदी चांदी हो जाती है। उसके बाद केक वगैरह काटने के बाद एमी फुल ऑन टल्ली हो जाती है। रॉन एमी से एक सवाल पूछता है कि तुम्हारा कोई क्रश है क्या? एमी तो अच्छी वाली ड्रंक होती है, वो जवाब देती है हाँ अभी अभी मुझे कोई पसंद आने लगा है। ऐसा बोलते ही वो गिरने लगती है और तभी दोनों मेल लीड्स उसे थाम लेते हैं। पार्टी के बाद जब सब चले जाते हैं तब एमी शॉन से पूछती है कि कहीं मैंने पार्टी में कुछ एम्बेरसिंग तो नहीं किया ना? लोल, शॉन उसे उसके कारनामों के बारे में बताता है। देन ही सडनली सेज, यार देखो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा, इसलिए लेट्स बी जस्ट फ्रेंड्स। उसकी बातें सुन के वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिर ये प्राणी क्या कह रहा है। फिर उससे अचानक सब समझ आ जाता है और वो शॉन की नादानी पे हंसने लगती है। वो उसे कहती है तुम दोस्त ही हो भाई, मुझे तो कोई और पसंद है जो मेरा वर्क कलीग है। जल्द ही शॉन की ये गलत फहमी भी दूर हो जाती है। गौर करने वाली बात ये होती है कि एमी जस्ट गेट रिजेक्टेड जबकि वो उसे लाइक भी नहीं करती थी। तो एक बार फिर से शॉन की रातों की नींद उड़ जाती है, लेकिन इस बार उसकी चिंता का विषय ये होता है कि एमी उसे क्यों पसंद नहीं करती। ये ख्याल ही उसे मारे जा रहा होता है। अगली रात एमी और सैम डिनर डेट पे जाते हैं जहाँ किसी न किसी वजह से बार बार दोनों का मूवमेंट टूटता जा रहा होता है, मतलब वो रोमांटिक एनवायरनमेंट डेवलप ही नहीं हो पा रहा होता है। दोनों की ही ये फर्स्ट डेट होती है इसलिए वो ज्यादा कुछ तिकड़म जानते नहीं होते हैं। नाउ जब सुबह शॉन सबके लिए नाश्ता बनाता है तो घर में दो लोगों का मुंह सड़ा हुआ होता है। पहले तो रॉन का, जिसका ऑडिशन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी, और दूसरा एमी का, जिसको ऐसा लग रहा होता है कि उसमें ही कोई कमी रही होगी तभी सैम ने उसे प्रपोज नहीं किया। बट हमारा शॉन उसका मूड सुधरता है और उसे हाइप करते हुए कहता है यार तुम बहुत सुंदर हो, बहुत स्मार्ट हो, उस लड़की में ही कोई कमी रही होगी। अगले सीन में शॉन और सैम बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं और इनडायरेक्टली शॉन ये कह जाता है कि कल रात एमी डेट पे गई थी और उसका क्रश बस उससे फ्लर्ट कर रहा था, उसे बात आगे बढ़ाई नहीं। शॉन की बातें सुन सैम थोड़ा चकरा जाता है। वो कहता है यार सारे लड़के तुम्हारे जैसे नहीं होते, क्या पता वो उसे सच्ची में पसंद करता हो। लो इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट सीन में पांचों दोस्त सैम के पापा के रेस्टोरेंट विजिट करते हैं। वहां पहुंचते ही शॉन देखता है कि उसके डैड सैम के डैड को खरी खोटी सुना रहे होते हैं। असल में शॉन के पापा इस बिल्डिंग के ओनर होते हैं और वो रेंट बढ़ाना चाहते थे। इसी चक्कर में दोनों डैड्स के बीच मस्त बहस चल रही होती है। अब ये बात शॉन और सैम दोनों के लिए एम्बेरसिंग हो जाती है और दोनों के बीच एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। शॉन भी अपने पापा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है। शाम को एमी सैम से मिलने जाती है और उसे चीयर अप करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है सैम के पापा की बातों को दिल पे ना ले, बट सैम तो दिल पे ले चुका होता है। इनफैक्ट वो एक और बात से थोड़ा सैड होता है क्योंकि सुबह सुबह शॉन ने उसे बताया था कि एमी को अपनी डेट से कुछ उम्मीदें थी, इसलिए वो एमी को थर्ड पर्सन टोन में कहता है कि कुछ लोग अपने दिल की बात इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो तैयार नहीं होते, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, उन्हें पढ़ाई करना होता है, पार्ट टाइम जॉब करनी होती है, अपने डेट को हेल्प भी करवानी होती है। एक्चुअली सैम ने थर्ड पर्सन कॉन्वर्जेशन में एमी को सब कुछ बता दिया होता है। वहीं घर पे शॉन एमी के टेंट के नीचे से सारे स्टोन्स चुन के हटा रहा होता है ताकि उसे सोने में प्रॉब्लम ना हो। उसको ऐसा करते हुए देख के रॉन कहता है तू तो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे फीमेल लीड तेरी बेटी हो। एंड ही ऑल्सो एडवाइसेस हिम, भाई अब तो तुम दोनों की क्रशेस भी है तो अपने अपने वालों पे ज्यादा ध्यान दो। इस पे शॉन उल्टा उससे पूछता है कि तेरी तबीयत तो ठीक है ना, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है भाई। अब बेचारे रॉन करे भी तो क्या, सबसे बड़ी दुख की बात तो उसी की होती है। एक तो उसके ऑडिशन सही से जा नहीं हो रहे होते हैं और कहीं सिलेक्शन भी नहीं हो पा रहा होता है। रॉन मन ही मन सोच रहा होता है इस स्पीड से तो बन गया मैं एक्टर। खैर एमी उस कॉन्वर्जेशन के बारे में सोच रही होती है जो कि उसके और सैम के बीच हुई होती है। शी वॉज लुकिंग क्वाइट डिप्रेस्ड बट वो उसकी सिचुएशन को समझती है और उसकी फीलिंग्स का रिस्पेक्ट करती है। तो होता कुछ ऐसा है कि सैम उसे बस से रिसीव करने आया होता है बट वो देखता है कि शॉन भी उसे रिसीव करने आया है। उन्हें साथ देख के सैम को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जलन होती है। उसके मन में ख्याल आने लगते हैं कि ये दोनों कहीं दोस्त से बढ़ के तो नहीं है ना। तो इसी के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। There was a time when you had me falling.
सो गाइज मेक श्योर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो क्योंकि हमारा नेक्स्ट पार्ट और भी बंदा होने वाला है।